हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को जितिया की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो जो अपने बेटों के लिए व्रत रहती होंगी उनके लिए। और मैं तो अभी तक उठा ही नहीं हूँ और ना रहती हूँ, मेरी सासू माँ रहती हैं। तो आज है मेरे पापा जी का तिथि, मैंने मेरे ससुर जी का, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी एकदम सुबह नहा धो के आए हैं, आज साड़ी पहने हैं क्योंकि पंडित जी आएंगे इसी वजह से। तो चलिए अभी पत्ता वत्ता सब धुल के रख लिए हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा इस बीच बीच में बनाऊंगी क्योंकि मैं जब कुछ काम करती हूँ ना जल्दी ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। तो चलिए दिखाते हैं, पत्ता धुल लिया है, आज अरवी का पत्ता बनता है। और इधर मैंने आलू उबाल के रख लिया है, इतना सारे मिर्चें रख लिए हैं। अब इसको जाने ग्राइंड करने के लिए तैयारी करने, क्योंकि लेट हो रहा है, ये आएंगे तो चिल्लाने लगेंगे क्योंकि यही पापा जी को पानी देते थे और आज गए हैं दाढ़ी उड़ी बनवाने के लिए। तो चलिए अभी थोड़ी देर में आते हैं। आज मैंने कुछ लगाया भी नहीं है, बस नहा के चेहरा धो के सीधे आई हूँ, तो इसीलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। वैसे भी मैं ज़्यादा मेकअप भी नहीं करती हूँ। पिताजी के पिता का मैंने अपने बाबा का, ठीक है ना। ठीक है, सारा खाना बन गया, पकौड़े, कुछ पूरी सब्जी, ये और चावल सब बन गया था। और दही था, मीठा काला जाम, और इधर सीधा सारा निकाला गया। बाकी मेरी हालत ख़राब है, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे। और पन्नी जी कर के चले गए और सब लोग को खाना दिए हैं, मेरे दीदी सारा किचन कबाड़ा पड़ा है। अब बज गए हैं 12:30, अभी सारा किचन वैसे ही पड़ा है, देखिए सब इधर सब छिता उतरा हुआ है। अभी उठेंगे तो इतना सारा बर्तन होगा, अभी बर्तन धुलेंगे। अभी चल रहे थोड़ा सा खा लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बज गए हैं 12:30 बजे और पंडित जी भी खाए हैं, मेरे देवर आए थे वो भी खाए थे, थोड़ा सा ही खाए हैं, ज़्यादा नहीं खाए हैं। तो अभी इनको खाना दिए हैं, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं क्योंकि आज हाफ डे हो गया था, क्योंकि कल से पेपर इन सबका होगा इसी वजह से। तो आज काम है कि आज कुछ करने का मन ही नहीं कर। और सुबह मैं 5 बजे का उठी हूँ, तब से मैं लगातार चल रही हूँ। अब बज गए हैं 1, अभी इतना सारा बर्तन सब बिखरा हुआ हुआ है, देखिए जब अब चल रहे पहले बर्तन बर्तन माँज के, इसके बाद ही कुछ करेंगे। देखिए इधर कढ़ाई पड़ा है, गैस पड़ा है, सारा का सारा इससे ही सब बिखरा हुआ है। अभी सब बर्तन, इस सारा बर्तन धुलना है, इधर सब वैसे का वैसे ही सारा बड़ा बेसिक में इतना सारा बर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि 1 बज गया है, सोचें कि आधा घंटा में सारा काम समेट के उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी। तो चलिए अभी चलती हूँ मैं, कुछ देर बाद आती हूँ। सारा बर्तन मैंने धुल दिया, अब इसको जा रहे हैं थोड़ा सा पोछ पोछ के इस पर रखने के लिए। अब आप लोग कहेंगे क्यों नहीं इसमें डटोक उत्थों में रखती हूँ, मुझे आलस लगता है इसको इसमें रखने के लिए, तो सीधे इसी पर रखती हूँ। पानी थोड़ा सा क्रस जाता है तो उसके बाद उसको पोछ पोछ के सब बर्तन वाले में रखा देती हूँ। देखिए वो कितना खा लिया, सारा बर्तन तो जूठा हो गया था। तो चलिए देखती हूँ, मैंने पता नहीं क्या मालूम होता है।
और अभी आए हैं अब 2:15। सोचिए 5 बजे का उठे उठे 2:15, एक तार लगातार चलते रहे। आज मुझे एकदम टाइम नहीं था, थोड़ा मोड़ा बीच बीच में मोबाइल चलाएँ उसके बाद नहीं, और मेरा सारा किचन क्लीन हो गया। देख सारा किचन मैंने क्लीन कर दिया, सारे बर्तन मैंने सजा दिए उसके ऊपर। चलिए मीठा खाते हैं आराम से बैठ के, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। थोड़ा मोड़ा वीडियो सेव की हूँ उसी को डाल दूँगी, आज मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल नहीं मन है। तो मैं ज़्यादातर ना 8-9 वीडियो इकट्ठे बना के ड्रॉप में रख देती हूँ, उसके बाद मैं जब जिस दिन काम में से करना रहता ना उस दिन मैं खाली नहीं रहती हूँ तो वीडियो बना नहीं पाती हूँ। आज भी देखिएगा मेरा वीडियो थोड़ा थोड़ा ही होगा, ज़्यादा बना नहीं पाया क्योंकि किचन में फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे अप डाउन करना था। सब लोग कहते हैं कि आप इतना स्लिम कैसे हैं, तो स्लिम इसीलिए हैं क्योंकि सारा काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा खाना पीना सब, सुबह से ही एक्सरसाइज शुरू हो जाता है तो और क्या कोई कर सकता है। जाएगा उतना जिम में मेहनत करेगा, इससे बड़े घर ही पर मेहनत ना कर ले, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और काम भी ख़त्म हो जाएगा। नौकरों चाकरों की काम, मुझे नौकरों का काम पसंद नहीं है इसलिए मैं अपना काम खुद करती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वो बर्तन धुल के जाती है, मुझको उसका बर्तन धुला हुआ नहीं पसंद है, वो पोछा लगाती है वो भी नहीं पसंद है, इसीलिए मैं खुद करती हूँ सारा काम। बस जिस दिन त्यौहार आता है ना उसी दिन बहुत ज़्यादा काम पड़ जाता है। तो चलते हैं अब थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद अब इसी डिब्बे में मैं खा लूँगी, एक ही बचा है और बच्चों के लिए प्लेट में रख दी हूँ और इसी डिब्बे में मैं खा ले रही हूँ। तो चलिए बैठ के थोड़ा सा आराम से मैं खा लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो जरूर कर दीजिएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा, और अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। चलिए चलती हूँ, तो चलिए खा लिए, थोड़ा सा आराम करते हैं। देखिए लोग थोड़ा बेच बेच के सुन सब सब टीवी देख रहे हैं, ये सब टीवी देख रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं। चलो थोड़ा हम भी रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। ओके बाय बाय।